जिले के हेसवे गांव की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे शायद रहनुमा भूल गए, विकास भूल गए, थौर भूल गए, जनता की बात भूल गए, मांग और उनकी पीड़ा भूल गए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से लेकर जनप्रतिनिधि बदल गए। अगर कुछ नहीं बदला तो हेसवे गांव की तस्वीर नहीं बदली, सरकारी सिस्टम गांव तक नहीं पहुंचा, विकास के नाम पर धोखा मिला, गांव में पेयजल, सड़क, शिक्षा सहित रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। लगभग 400 की जनसंख्या वाला ये गांव हर समय डर के साए में जीता है। सुबह पुलिस के बूटों की आवाज डराती है तो शाम होते ही नक्सलियों के बूटों की आवाज थर्राती है। गांव की जनसंख्या लगभग 400 है पर आधी आबादी गांव में रहती ही नहीं। आपको बता दें, रोजगार की तलाश में लगातार लोगों का पलायन हो रहा है। दावे विकास के होते हैं, जिंदगी सुधारने की होती है, पर सच कुछ और ही है। पूर्व विधान पार्षद प्रवीण सिंह के भाई की दिन में माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद गांव में हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। अब चुनाव है, गांव वालों को अब भी जनप्रतिनिधियों से उम्मीद नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के सही मायने तब तक अधूरे हैं जब तक ऐसे गांव तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहरदगा से करीब 30 किलोमीटर दूर बिशुनपुर क्षेत्र के विधायक जो है यहाँ के चमरा लिंडा उनके क्षेत्र हेसवे गांव में। हम बात करेंगे आज लोहरदगा लोकसभा की। लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, ऐसे में हम ग्रामीण इलाके में सर्वे कर जान रहे, देखने की कोशिश कर रहे हैं और धरातल पे विकास जो हुई है उसके बारे में आज हम देखेंगे और लोगों से बात करेंगे। अब हम बता दें कि ये जो जगह है ये हेसवे जगह है। यहाँ पे एक समय ऐसा हुआ करता था कि रात में नक्सलियों के बूटों की आवाज़ आती थी और दिन में पुलिस के बूटों की आवाज़ आती थी। हमेशा नक्सलियों का यहाँ पे भय रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो सब कुछ खत्म होता जा रहा है और अब हमारे पास में कुछ ग्रामीण है। और एक बात मैं बता दूँ कि लोहरदगा ये जो गाँव है, इस गाँव से करीब 50% जो लोग हैं वो रोजी रोजगार के लिए लोहरदगा यहाँ हेसवे गांव से पलायन कर चुके हैं। हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करने के जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव की विकास की क्या स्थिति है और लोग कोई क्यों यहाँ से रोजगार को लेकर के बाहर चले गए हैं। क्या स्थिति यहाँ पे विकास को लेकर के लोग बाहर क्यों चले गए? अभी तो देखिए भैया, यहाँ कोई भी किसी तरह का कोई काम नहीं है फिलहाल। यहाँ खेती बाड़ी के अलावा कुछ काम तो है नहीं। सिंचाई का पहला बात है कि खेती बाड़ी लोग करते भी हैं तो कोई सिंचाई का कोई साधन ही नहीं है। दूसरी बात है कि अगर मान के चलिए घर में कुछ काम नहीं रहेगा तो कोई पांच परिवार है तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ के बड़े बेटे हैं या वो घर के गार्जियन हैं वो तो घर चलाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि वोट ये ज़रूर करेंगे क्योंकि वोट इनका अधिकार है, ऐसे में हम इस वक्त जो है बुटी गांव में ही मौजूद है, सॉरी इस बार हम जो गांव है ये इस गांव में मौजूद है और लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। ऐसे में जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चलाया गया है प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के वोटिंग में लोग पलायन कर चुके हैं, तो ऐसे में कैसे प्रतिशत बढ़ेगा? अमित वर्मा, कशिश न्यूज़, लोहरदगा। तो लोहरदगा के हेसवे गांव की बदहाल तस्वीर आपने देखी।